हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभप्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और गाइस, आज आप लोग के लिए फिर से एक ईटिंग चैलेंज, ईटिंग शो लेके आए हैं। और वो क्या है वो आप लोग को तो देख के ही पता चल गया होगा। बहुत ही लाजवाब और चटकदार और आप लोगों को लुभाने वाला ये गोलगप्पा शो आ गया है। तो आज का ईटिंग शो है गोलगप्पा यानी पानीपुरी यानी कुछ का। चैलेंज नहीं बोलूंगी बट ईटिंग शो है। और पे ये गोलगप्पा देख के शायद आप लोग के मुंह पे भी पानी आ रहा होगा और किसी किसी मुंह पे पानी आ रहा होगा, जरूर कमेंट में बताना। और लेडीज लोग के लिए ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, लेकिन जेंट्स लोग से जरूर मैं पूछूंगी कि आप लोग तो को कौन किसको किसको ये गोलगप्पे पसंद है, प्लीज कमेंट में बताना जरूर। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है और साथ में इसका जो स्टफिंग है, गोलगप्पे का स्टफिंग है, साथ में ये आलू का स्टफिंग है और यहाँ पे रहा है इसका पानी। तो पानी थोड़ा टेस्ट, आपका स्टफिंग बहुत अच्छे से देखने में लग रहा है, बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है क्योंकि ये मार्केट से लेके आए हैं। पानी तो बिगड़ा है, थोड़ा सा तीखा है आज। ऐसे ही में गोलगप्पे का असली मजा और असली टेस्ट तभी आता है अगर इसका पानी अगर खट्टा हो, खट्टादार, और ये मसाला अगर अच्छे से बनाया हुआ हो तो गोलगप्पे का तो मजा ही कुछ और है। तो चलो टाइम जाया ना करते हुए, बातचीत ज्यादा ना करते हुए हम लोग यहाँ पे इसमें जो आलू भर लेते हैं, गोलगप्पा में बड़ा बड़ा आलू भर लेते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा मसाला भर लेती हूँ मैं। तो चलो ये चम्मच ले लो, मसाला अपना अपना भर लो फटाफट से, हमको तो रहा नहीं जा रहा है। रहा तो हमसे भी नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाजार से लाया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। गोलगप्पे कितना भी दे दो मुंह पे पानी जाता है, आलू भरने का भी, मसाला भरने का भी इंतजार नहीं होता है। आप लोग के मुंह पे जरूर पानी आ रहा होगा जिसको जिसको गोलगप्पे पसंद है। तो पानी आलू इसमें भर लेते हैं। गोलगप्पा भी बहुत बड़ा साइज का है, बरसात के कारण थोड़ा सा ये फीका हो गया है। वो बरसात के मौसम में थोड़ा सा होगा ही, लेकिन फिर भी मतलब टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा बनाया है, कहीं से भी लाए हो। ओके, सब में हो गया। तो मसाला रेडी हो गया है मेरे गुपचुप के अंदर। थोड़ा सा इसको और चटपटा बना देते हैं, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चिली सॉस अपने से, घर का चिली सॉस। जल्दी कीजिए, हमको भूख, टमाटर टिक्का ऐड कर लो, थोड़ा सा चिली सॉस इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। लग रहा है तुमसे रहा नहीं जा रहा है, तुम्हारा अंदर गुटर 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 हो रहा है। जो भी हो, किसी को भी अगर गोलगप्पा सामने हो तो किसी का भी नियत खराब, वो तो नेचुरल है, किसी का भी नियत खराब हो जाएगा। और मेरा ज्यादा नियत खराब होता है इस मामले में। लड़का हो या लड़की, अगर ये गोलगप्पा बना बनाया हुआ सामने हो तो किसी का भी नियत खराब हो सकता है, जैसे अभी आप लोगों का भी नियत खराब हो रहा होगा। तो स्टार्ट कर दिया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। पानी थोड़ी देर लाइए और पानी देखिए फ्रेंड्स, दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि गिर जाएगा। तो स्टार्ट करो आज का गोलगप्पा।
पानी। तो सबसे पहले आप लोग को देते हुए हम अपना पेट में डाल रहे हैं। जवाब जिंदगी का मजा तो बहुत है। हर जगह गुपचुप खाते हैं, इतना गुपचुप खाते हैं, लेकिन गुपचुप हर जगह टेस्टी मिलता है ये नहीं है। एक एक रेयर एक दो जगह होता है जहाँ पे गुपचुप बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो अभी फिलहाल ये पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना सच में बहुत ही अच्छा है। इसका टेस्ट साइज भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा साइज इसका है, देख रहे हो। जिंदगी का मजा तो गोलगप्पे में ही है, आप लोग मानो या ना मानो जिंदगी का मजा तो गोलगप्पे में ही है। मेरा पानी गिर रहा है, गोलगप्पे में छेद हो गया, ये बहुत बड़ा है इसलिए इधर उधर इसका छेद है। और गाइस गोलगप्पे तो अधिकतर सब कोई घर में भी बनाता है, लेकिन कुछ कुछ फूड ऐसा होता है कि वो घर में कितना भी आप मेहनत से बनाओ, मन से बनाओ, अच्छे से बनाओ, लेकिन उसका टेस्ट जो इसका जो टेस्ट जो बाहर में ये कटोरा लेके खड़े हो के खाने में जो मजा है ना, वो टेस्ट आप घर में आपको कतई नहीं मिलने वाला है। लाइन लगा के खाना, और जो पानी पूरी देता है पानी पूरी वाले का हाथ जब तक पानी में नहीं पड़ता है, हाथ चुभो चुभो के जब तक नहीं देता है तब तक उसका मजा नहीं आता है। हम भी घर में बनाते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि घर का टेस्ट हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है। गोलगप्पे का टेस्ट हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है जब तक हम बाहर का ना खाएं। तो जल्दी फटाफट, अरे सुनिए ना, मुझे ये चम्मच से बेकार लगता है। अच्छा। ये देसी स्टाइल से जो हम लोग ओरिजिनली जो गोलगप्पे खाते हैं वैसा खाने का मजा ही कुछ और है, वो चम्मच वगैरह हमसे ठीक नहीं लगता है। तो ऐसे चुभो, इसको चुबा चुबा के डुबा डुबा के मारो, और ऐसे ला हम ट्राई करते हैं। ना जाए कहीं। हमको आप कितना भी गोलगप्पे खिला दो मन नहीं भरने वाला है। हम तुम्हारा हम साइड कर देते हैं, सारा ले रहे हैं, 50-50 आधा कर दिया है हम। अरे एक तो ज्यादा लिए हैं, एक ही तो ज्यादा लिए हैं। नहीं ज्यादा, इसमें ज्यादा है। एक ही ज्यादा लिए हैं, वैसा मत कीजिए, पाप चढ़ेगा गोलगप्पे लीजिएगा तो। तुम्हारा ज्यादा पीछे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेरा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा तुमको जो है एक को ज्यादा लिए हैं, क्या हो गया बताइए, एक ही गोलगप्पे का ही तो बात है। सब कुछ शेयर कर सकते हैं गाइस, लेकिन गोलगप्पा शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी से भी नहीं, एक्स्ट्रा किसी को भी नहीं दे सकते हम। ऊपर से एक्स्ट्रा कोई खिला सकता है तो वो सबसे बेटर है। लीजिए हमको दीजिए इसमें, तो हमको पानी पूरा पानी पूरी वाला बना लीजिए। ये बहुत बड़ा सा है, ये मेरे मुंह में नहीं जा रहा है, हम कोशिश करेंगे इसको। मजा आ गया। आप लोग चाहो तो मसाला में सेवई भी मिक्स कर सकते हो टेस्टी के लिए, चना भी, कच्चा चना भी मिक्स कर सकते हो, जो जैसा पसंद करता है। कच्चा चना तो एकदम बवाल रहता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई मतलब आलू की जगह कच्चा चना या फिर मटर यूज कर देता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। बाहर बाहर ज्यादा मिलता है, मतलब बंगाल से बाहर अगर पानी पूरी खाओ तो हाँ। ज्यादा ये नॉर्थ ईस्ट में साउथ वाउथ में उसमें चना वना उसमें ज्यादा रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है। साउथ का पानी पूरी मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ का पानी पूरी पता नहीं वहाँ का पानी पूरी का कैसा ही टेस्ट है और कैसे बनाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। चना मटर ज्यादा रहता है, और यहाँ का जैसा गोलगप्पे का टेस्ट वहाँ का नहीं होता है, क्योंकि हम खा चुके हैं रह चुके हैं वहाँ पे, इसीलिए बता रही हूँ। बहुत बड़ा है,
मुंह में फिट नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ साउथ का कुछ उसका अपना ही अलग पहचान है बिरयानी के लिए, तो वो आप लोग जरूर टेस्ट करना। जो भी अगर फर्स्ट टाइम साउथ जाओगे तो बिरयानी जरूर टेस्ट करना। तो गोलगप्पा चलना हफ्ते में एक दिन तो बनता ही है, होना तो बनता ही है आप लोगों को लुभाने के लिए। तो गोलगप्पा चलेंगे एक दिन तो बनता ही है, और आप लोग भी खाइए खिलाइए। हम लोग का तो वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए। आप लोग भी खाइए, आप लोग कैसे फुचका खाते हैं घर पे लाके, आप लोग भी वीडियो बनाइए शेयर कीजिए, खाइए खिलाइए और दिखाइए, और हमें भी खिलाइएगा जरूर। खिलाना तो पॉसिबल नहीं है, ये दिखाना ही पॉसिबल होगा। एक बड़ा वाला ले लेंगे, सेम है तो बड़ा वाला ले लेंगे, बड़ा वाला हमको खाने में मजा आएगा। हम तुमको ला के दे रहे हैं ना फ्रेंड। ये वीडियो स्टॉप होने के बाद ये एक जो लिए है ना बड़ा साइज का, इसका बदला हम जरूर लेंगे। मेरा एक बड़ा गोलगप्पा ले चुका है। ऐसा मन करता है ना कि कभी कभी पूरा ठेला ही खा जाए गोलगप्पा। उसके बाद टॉयलेट में बैठे रहे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपके जैसा नहीं है। आज के गोलगप्पे में तो कहीं मजा है। लाजवाब। कहीं से भी लाए हो लेकिन टेस्ट बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी है। टेस्ट ऐड करना पड़ा है इसमें थोड़ा थोड़ा सा। हम हर जगह गुपचुप खा चुके हैं, गोलगप्पे खाते भी हैं, लेकिन एक दो जगह ऐसा फिक्स है जहाँ पे हम हमेशा वहीं पे जाते हैं, वहीं का गोलगप्पा खाते हैं, क्योंकि वहाँ के अलावा मुझे कहीं और का गोलगप्पा अच्छा ही नहीं लगता है। पानी गिर रहा है, रुक जाओ। वैसे भी है जो भी है बहुत टेस्टी है, और इनका एक पीस बचा हुआ है, मेरा दो पीस बचा हुआ है, चाहे तो आप दे सकते हैं। फोन ले लो। और गाइस अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा हम लोग का ब्लॉग। प्लीज गाइज आप लोग अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कृपया इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मोर एंड मोर इसको शेयर कीजिए। तो चलिए खत्म कर लेते हैं, दो पीस हैं मेरा, एक ही बचा हुआ है लास्ट। तीखा बहुत है, झाल लग रहा है बहुत तीखा मुँह में, पानी ऐसे आ रहा है, पानी खिलाओ। तो लास्ट मेरा गोलगप्पा। गोलगप्पे में अगर तीखा ना हो तो गोलगप्पे का इतनी टेस्टी नहीं है। गोलगप्पे में तीखा और खट्टापन ये दो जरूर होना चाहिए, और इतना तीखा है विश्वास नहीं कीजिएगा, ये जो मेरा मुंह का जो पोर्शन है ना ये लहर रहा है, बहुत ज्यादा तीखा है, बहुत ज्यादा लहर रहा है, पानी गिर रहा है, और बिना तीखा का तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं, सब एडजस्ट हो जाएगा। हम थोड़ा पानी इसका टेस्ट करते हैं, ये पानी हमको बहुत अच्छा लगता है। दीजिए पानी मुझे। पानी भी बहुत टेस्टी है। तो ये लास्ट गोलगप्पा है। हाँ चाहे पेट खराब हो कुछ खराब हो पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पानी जो है ना गर्मी के दिन में ज्यादा जरूरी होता है पीना, अगर पियोगे तो शायद लू नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगता है, ठंडा गर्मी नहीं लगता है, और पेट के लिए हजम के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ज्यादा नहीं। वो तो सबको मालूम है, आप लोग को शायद मालूम ही होगा कि गर्मी के दिन में खट्टा ज्यादा लोग यूज करते हैं, चाहे वो दही हो या फिर खट्टा के कोई भी कुछ भी तरीके से खट्टा खाओ, लेकिन ये इमली का पानी है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गर्मी के दिन में, अगर खाओगे तो आप सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा।
तो फिलहाल मेरा ये गोलगप्पे खत्म हो चुका है और अभी है नहीं, लेकिन अभी भी मन कर रहा है कि और भी मिल जाता। और भी मिल जाता तो किसी और दिन फिर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स गोलगप्पा आ गया, जिंदगी का मजा तो गोलगप्पे में ही है, आज तो मजा आ गया। और मेरा पूरा फेस लहर रहा है, मेरा भी फेस लहर रहा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, और आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग हम लोग का वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मोर एंड मोर कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगता है। और लाइक इसको एक ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसमें कुछ कोई आता जाता नहीं है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से लेके आएंगे। तो अभी तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स, टिल देन अच्छा रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपना आप लोग अपना चैनल सुब्रोपिया की तरफ से सबको सलाम, बाय बाय।